23 वर्षों के बाद 413 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेमंत सोरेन की सरकार में। ये इतने बड़े पैमाने पर काम हुए कि इससे जो हमारे विरोधी पक्ष थे वो बौखलाने का काम के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। आप सबने देखा जब जब यहां पर उपचुनाव हुए, चार उपचुनाव हुए, हर बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई। कहा गया कि चुनाव के बाद में सरकार बदल जाएगी और उस दिशा में प्रयास भी हुए। लेकिन दुमका और बेरमो में धक्का खाने के बाद भी इनको होश नहीं आया। मधुपुर में भी नकारे गए, मांडर में तो उनको धकियाना पड़ा और अब जो पांचवा उपचुनाव होगा, जनता ने ठान लिया है कि लोकतंत्र का कड़ा तमाचा पूरे पांच उंगलियों का भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही। क्योंकि इनका काम और काम जो रघुवर सरकार की पुलिस थी वो गोला में गोलीकांड करवाती और जो जनांदोलन का नेता है उसको सजा दी जाती। और जो उसी रामगढ़ जिले में जो मॉब लिंचिंग के जो सजायाफ्ता अपराधी है उनको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माला पहनाते। ये था कार्यकाल रघुवर जी के सरकार का। बारह बारह मॉब लिंचिंग हुए, भूखे लोग मरे, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं। रामगढ़ का उपचुनाव भी होना है और कल ही से हम देख रहे हैं गाछे कटहर घोपे तेल भाजपा राजसिक का। पिछले बार लगभग 28,000 मतों से हम लोगों ने उस सीट को जीतने का काम किया। मेरा भारतीय जनता पार्टी और राजसिक से बहुत विनम्र निवेदन है, यदि 3 साल के बाद यदि यह निर्वाचन होने जाएगा तो कृपया इस निर्वाचन में आप लोग अपने तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी को उम्मीदवार बनाइए। रामगढ़ से और रामगढ़ के लोगों को मौका दीजिए कि 56,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को एक लोकतांत्रिक तमाचा मिले, क्योंकि इनका 56 पे बहुत विश्वास है।
पिछले बार 28,000 के लगभग का लीक था, इस बार हम लोग चाहते हैं क्योंकि फिर वही टेप चलाएगा। एक तरफ से टेप का बटन दबाएंगे बाबूलाल जी, एक तरफ से भोपू पकड़ेंगे रघुवर जी, सरकार गिर जाएगी चुनाव के बाद। तो भाई चुनाव आप ही लड़ लीजिए ना रघुवर जी, ये रिकॉर्डिंग चलाने से तो बेहतर है मैदान में आना। हम लोगों को पता है हमारा संघर्ष, हमारा लोगों के साथ में कमिटमेंट, हम उस कमिटमेंट के साथ 3 साल भी पूरा कर रहे हैं और जनता का जिस प्रकार का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है अगला 30 साल भी पूरा करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।